इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई रश्मि हरियाणी ने मरने से पहले क्या कहा था और क्या बताया था अपने पति के बारे में, और क्या क्या सच्चाइयाँ और क्या राज खोले थे, तो इसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देख लेते, फिर बात करेंगे इसके बारे में लास्ट में। किन्ने किन्ने मारो तुम? मारो तो और काय के मारे मारो तो? पहले मारो तो मम्मी ने कही इलाज का नहीं कराए रहे, तब ही मारो तो कही हमें कराए तो रहे इलाज, ऐसे झूठी कचू नहीं कराओ तो खाली इंट्रासाउंड कराओ तो बस। खाली इंट्रासाउंड कराओ, दवा नहीं दी भाई दी। अच्छा अब आज इतनी बात के पीछे मारो। कही अपनी मम्मी का दवा नहीं करा, दवा नहीं करा, कराए तो रहे दवा और कैसे दवा कराई जाता। अच्छा मारो तो सुई फोन चुटा ले थे, बातों नहीं करन दही पर घर है मामा ले बान गए थे, बड़ी मुश्किल में भेजो तो लिखा पड़ी कर घर। अब हाथ में कहाँ पर मारो तो? देखो हाथ पे जो मारो तो जो जो करिया करिया निशान पर रब दिख रहा हो, जो इंजन पे मारो तो जो भाई निशान भी पड़ा हुआ, जो मारो तो। फिर मम्मी कब लिवाए लाई थी? गाइस आप ही लोग देख लो, अभी आप लोग कह रहे थे कि ये सब झूठी है, अफवाह उड़ा रहे हैं, ब्यूज पाने के चक्कर में कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था वो वीडियो जो कि रश्मि के मरने से पहले का वीडियो था। रश्मि के मरने से पहले ये उनका लास्ट वीडियो था जिनमें उनने बताया कि उनको भाई किस तरीके से पिटाई की गई, मतलब किस तरीके से लात मारा, और उसके बाद किस तरीके से उनके उनके बगल बाँह में आप लोग देख सकते हो काले कलर का निशान भी दिखाई दे रहा है। तो ये है, और बल्कि जो उनके पति है रश्मि के पति सूरज, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई इनकी माता श्री ने इनको गोली दे दी थी जिसके कारण इनका अबॉर्शन हो गया था, यानी कि इनके पेट में जो बच्चा था, और तो उनकी माता ने राधा अरियारी देवी जो इनकी रश्मि की माता है, तो उनने कुछ ऐसी दवा दे दी थी जिसके कारण वही इनका अबॉर्शन हो गया। और बल्कि ये बंदी जो मतलब रश्मि की बात कर रहा हूँ, बल्कि ये बंदी जो रश्मि जो मर गई ठीक है, और लास्ट में कहते कहते मतलब सच्चाई बताते बताते अपने भाई को गई है कि भाई किस तरीके से उसको मारा गया, किस तरीके से उसको पीटा गया, ठीक है उसके बगल हाथ में निशान भी है, इस बात का सबूत भी है। और भाई आप लोग ही सोच सकते कि कोई माँ क्यों अपने बच्चे को भाई इस तरीके से प्रताड़ित करेगी, कोई माँ क्यों अपने बच्चे को इस तरीके की दवाई देगी जिससे उसके जान को खतरा हो, ठीक है। तो भाई इसमें देखा जाए तो एक जान नहीं गई भाई, पहले तो उसके बच्चे की जान गई, ठीक है, जो कि मात्र 3 महीने का था, उसके पेट में था, वो तो बाहर भी नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद इतने कम उम्र में रश्मि की भी जान चली गई, ठीक है, तो दोनों की चली गई है, ठीक है। और वहाँ पे वो उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा किस पे, राधा देवी अरियारी पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई उसने राधा देवी ने ये किया था ऐसा किया था वैसा किया था, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से ना ये जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, मैंने कहा चलो आप लोग को भी ये सच्चाई दिखा दे, आप लोगों को भी ये सच्चाई जानना ज़रूरी है, ठीक है, और ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई सच्चाई क्या थी, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी, ये वीडियो उसके जाने के पहले की वीडियो थी, और ये यार ये वीडियो ना ज़्यादा ये सच्चाई ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पता चलनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई सच्चाई क्या है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके, और भगवान रश्मि की आत्मा को शांति दे। और भाई मैं खुद जाके पता करने की कोशिश करूँगा कि मिलने की कोशिश करूँगा, अगर मुलाकात हो पाए बातचीत हो पाए, और उसकी सच आगे बात करने की कोशिश करूँगा रश्मि के भाई से, ठीक है। तो इसकी वीडियो आगे भी आप लोग को देखने को मिलेगी। ये जो भी हुआ ना बहुत ही गलत हुआ यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लोग जानते हो कि किस तरीके से आजकल ये बहुत हो रहा है यार। शादी होती है और शादी के बाद क्या होते हैं लड़के लोग, शादी के बाद क्या होती है लड़के लोग लड़कियों को रख नहीं पाते, मतलब वो अपनी वाइफ को केयर नहीं कर पाते, उनको सही तरीके से संभाल नहीं पाते। अगर आप लोग सही तरीके से संभाल नहीं पाते तो आप लोगों का कोई हक नहीं बनता किसी भी लड़की को मारने का, किसी भी लड़की को प्रताड़ित करने का। भाई नहीं बनती तो यार डिवोर्स दे दो,
ठीक है, या फिर अलग हो जाओ, क्यों किसी एक लड़की के ऊपर हाथ उठाओ, क्यों किसी लड़की को मारो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।